दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा बकरी को जो है मक्का खिलाने के फ़ायदे जो है किस तरीके से देखने को मिलते हैं। मक्का खिलाने से जो है हम अपने पशु में जो है किन किन तरह के फ़ायदे या किन किन तरह के नुकसान जो है देखने को मिलते हैं, फ़ायदे भी देखेंगे नुकसान भी देखेंगे, सारा प्रोसेस जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इससे जो है आपकी बकरी की जो है एक अच्छी हेल्थ दिखेगी आपको, उसकी शाइनिंग बढ़ेगी, दूध बढ़ेगा, काफ़ी सारे और भी जो है इसमें चीज़ें होती हैं, तो वो आज मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ जो है पौधे रखे हुए हैं, तो इस पौधे का जो है हम पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पौधों के अंदर हमने देखा है कि इसके जो सामने वाला इसका टोक है उससे जो है अंदर कीड़ा जाता है, उससे जो है बकरी के हेल्थ पर जो है काफ़ी बुरा असर जो है देखने को मिलता है। यहाँ से जो है कीड़ा अंदर जाता है, तो हमें इसको देखना है कि इसके अंदर जो है कीड़ा पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए मैंने जो है अभी अभी यहाँ पे जो है कुछ पौधे जो है यहाँ पे कट कर दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है कीड़ा पाया जाता है तो इसको पूरा तोड़ के जो है मैंने देखा हुआ है, तो इसमें जो है किसी प्रकार का कीड़ा नहीं देखने को मिला है। तो ऊपर ऊपर से जो पत्ते थोड़े से जो है कीड़ों ने ऑलरेडी खा लिए है, लेकिन अंदर जो है कोई कीड़ा नहीं है। तो इसके जो लगभग मैंने 7-8 जो पौधे हैं तो वो मैंने काट लिए, अच्छे से इसको चेक कर लिया है कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि ये चारा जो है हम अपने पशु को अगर खिलाते हैं तो उसमें ये देखना ज़रूरी है कि उनमें कोई चारा तो नहीं, उससे पॉइजनिंग जो है अपने पशु में देखने को मिलती है। तो इस कारण से जो है मैंने कुछ 8 से 10 पौधों का जो है इस तरीके से पोस्टमार्टम करके इसका सारा जो अंदर से देख लिया है कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह है कि नहीं है। तो इतना सारा चारा जो है उसको चेक कर लिया है, तो बाकी चारे में जो है बिल्कुल इसके अंदर जो है कीड़े देखने को नहीं मिले। तो ये फ़िलहाल जो है बैड न्यूज़ थी। अब मैं इसके पॉजिटिव या जो चीज़ें हैं इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है इसमें अगर हम देखेंगे, तो इसमें बाईपास प्रोटीन, इसके बाईपास प्रोटीन पड़ा हुआ है 65%, जो कि काफ़ी मात्रा में पड़ा है। और दूसरा जो इसका रोमन डिग्रेबल प्रोटीन परसेंट है वो है 35%, तो इसके अंदर वो भी पाया जाता है, दो तरीके के पाए जाते हैं। फ़िलहाल इसके स्पेसिफिकेशन का जो चार्ट है मैं लगा दूंगा वहाँ पे, आप देख लीजिएगा। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो 35 में से इसमें 18% जो है प्रोटीन पाया जाता है। फैट की बात करें तो इसमें 4.5% जो है फैट पाया जाता है, और इसमें जो है फाइबर इसमें पाया जाता है 3% मात्र। और नमी यानी मॉइस्चर की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 12% जो है मॉइस्चर पाया जाता है। तो ये चारा जो है पशु के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, इससे जो है आँखों की रोशनी जो है उसकी अच्छी रहती है, बाकी शाइनिंग पशु में जो है अच्छी देखने को मिलती है। इस चारे को जो है आप अपने गोट या भेड़ बकरी या फिर आदि जानवरों को जो है आप खिला सकते हो, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट देखने को मिलता है, दूध में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब भारत देश में जैसे खल, मक्का की खल जो है जिस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है, मक्का से मक्का की खल भी बनाई जाती है बीज से, तो फिलहाल भारत देश के साथ साथ जो इसके अंदर ईरान, इराक और सऊद अरबी इन देशों में जो है मक्का की खल की जो है मांग काफ़ी अच्छी तरीके से जो है की जा रही है। तो मक्का की खल भी जो है आप अपने पशु को खिला सकते हैं, उसमें भी जो है दूध में बढ़ोतरी मिलेगी, जानवर में शाइनिंग मिलेगी, अच्छा जानवर दिखेगा और हेल्थ इशू जो है बिल्कुल सही रहेगा उसका, और चारा पचाने में जो है उनको आसानी हो जाएगी। और इसी तरह का चारा जो है आपको हाइड्रोपोनिक तरीके से जो है इसको उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक तरीके से अगर इस चारे को उगाते हैं हम, तो सीन ऐसा है कि जो चारा भी आपको दिख रहा है चारा सेम ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा छोटा हो सकता है या फिर इतना बड़ा भी हो सकता है, बाकी उसकी जो मूली है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी दिखेगी आपको और बड़ी रहेगी। बाकी ये मिट्टी में उगाया हुआ चारा है तो इसकी मूली जो है इतना ग्रोथ इसका नहीं किया है, और मूली के साथ जो है जानवर इसको गेन करता है, खाता है, और मिट्टी के साथ रहता है तो फिलहाल इसको मूली को जानवर जो है खाना पसंद नहीं करता है। कुछ कुछ जानवर खाते हैं लेकिन छोटे जानवर जो है इसको खाना पसंद नहीं करते मूली को, बाकी ऊपर वाला जो साइज है
उसका जो है पूरा अच्छे तरीके से उसको खाने को पसंद करते हैं। तो फिलहाल इससे जो है साइड इफ़ेक्ट मैंने बता दिया है आपको, इससे फ़ायदा जो है क्या किस तरीके से होता है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, फाइबर कितना है, आज के वीडियो में जो है मैंने आपको समझा दिया है। फिलहाल मैं ये चारा जो है अपने गॉट को थोड़ा सा सूखने के बाद जो है दिला दूंगा। चारा आपको तुरंत जो है नई एनिमल को खिलाना है, थोड़ा सा उसको सूखने देना है। अभी जो है सही तरीके से वो थोड़ा सा सूख रहा है और उसकी जो मिट्टी है मूली में लगी हुई तो वो भी नीचे गिर रही है, तो थोड़ा जैसे सूखेगा तो मैं अपने एनिमल को जो है इसको खिला दूंगा। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।